अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल सेवेंटास्टिक सेवन। मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं जिस तरीके का रिएक्शन और जिस तरीके का रिस्पॉन्स देख रहा हूँ मेरे सारे सब्सक्राइबर कॉमेंट्स और आप लोगों का ढेर सारा प्यार देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इतनी खुशी मुझे। हम लोगों ने क्रॉस कर लिए हैं 100 सब्सक्राइबर्स और इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर मी एंड आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है एंड मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे फैमिली, मेरे फ्रेंड्स और इवन जो लोग हैं अननोन जिनको मैं नहीं जानता उन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया, उसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया, धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच। इसीलिए मैं आज वापस आ चुका हूँ एक नई रिएक्शन वीडियो के साथ। शाबाश बेटा, एंड दिस टाइम हम लोग कर रहे हैं रिएक्शन वीडियो हमारी एक सब्सक्राइबर की जो सबसे पहली रिक्वेस्ट थी, तो मैं उनको बहुत ज़्यादा शुक्रिया करना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू मेंशन हर नेम नैन्सी, जिन्होंने हमारी रिएक्शन वीडियो पे रिएक्ट जिस पे मैंने किया था उसके ऊपर उन्होंने कमेंट किया था वो आई शुड रिएक्ट टू अ वीडियो बाय ऑगस्ट डी। तो हम लोग देखते हैं किस तरीके है वो गाना। अच्छा शुगा, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। सबटाइटल्स मैंने ऑन किए हुए हैं लेकिन देखते हैं कैसा होता है। पीछे क्या लड़ाई हो रही है? एक मिनट, ये यहाँ पर क्या है? ये डब्बे है क्या? ये लाश है क्या? है अच्छा, तो ये दो लुक्स के साथ आ रहा है बंदा, एक ऐसा है ब्लैक और ये कैजुअल सा कुछ। ओ एक मिनट, एक पॉज करना पड़ेगा। ये अचानक से जो ये फ्लो चेंज लेके आया बहुत ही कोई जबरदस्त किस्म का, बहुत स्मूथ था, ठीक है ना। वापस से सुनते हैं वो पार्ट। ओके, अरे मुंडी जा रही है भाई डब्बे में। ये क्या सर कटे पे रखे हैं क्या ऊपर? जय श्वेता। ओके, ये किसको देख रहे हैं नीचे से? वो गाड़ी में वही है क्या? Damn, लाइन अच्छी थी। बीट्स और रैप जो चल रहा है प्रिजनर को लेके आ रहा है।
तो ये विलेन वाला शुगा है क्या? अरे वो डेड बॉडी थी, सब जिंदा हो गई क्या? भाई जबरदस्त म्यूजिक, सोर्ड के साथ बड़ी जबरदस्त मूव्स कर रहा है। और काट दे उसको। नहीं, वापस आ गया। छोड़ दिए। थोड़ी सी एंडिंग में मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन चलिए ये खत्म होता है रिएक्शन मेरा ऑगस्ट डी के गाने के ऊपर, जो के था डेचुइटा एनर्जी के ऊपर। मैं बहुत ज़्यादा मार्क्स देना चाहूँगा इस गाने के ऊपर, क्योंकि इसकी एनर्जी बहुत ज़बरदस्त थी। जिस तरीके के जो फ्लो थी, मुझे उसमें बहुत मज़ा आया। तो मुझे समझ आया इसके अंदर जो है लिरिक्स, इट्स सेड समथिंग के वो किस तरीके से पहले पुअर होता था और उसने बहुत मेहनत की और उसके बाद वो आज इस मकाम पर पहुंच गया। अप 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 स्टोरी में मुझे थोड़ा बहुत जो मुझे समझ आया पहली व्यूइंग के अंदर, क्योंकि मैं सिनेमाटोग्राफी भी देख रहा था जो कि बहुत धांसू किस्म की थी, तो मैं वो देख रहा था। तो फिर कुछ कुछ पार्ट लिरिक्स के मेरे मिस हो गए थे, उसके लिए मुझे वीडियो 3-4 दफ़ा देखनी पड़ेगी। एक ईवल सा था शुगा और एक शरीफ वाला, उसके शायद टू साइड से, कि उसके पास शायद चांस था कि वो एक ईवल तरीके से भी सक्सेस पा सकता था, लेकिन उसने एक अच्छा तरीके से पास करा और वो आज एक बहुत फेमस सिंगर है। पूरी दुनिया में उसको सब लोग जानते हैं। पर्सनली मैं नहीं जानता था। उसके अंदर जो ईविल था, ईविल वाला साइड, शायद उसने उसको एंड में फायर गोली मार दी। कुछ और है रियल स्टोरी, अगर जो डाई हार्ट फैंस है, अगर आप लोगों को पता है कि क्या है इसकी रियल स्टोरी, तो प्लीज़ कमेंट करें नीचे। आप लोग चाहें कि मैं और BTS या फिर कोई स्पेसिफिक जॉनरे और स्पेसिफिक सिंगर्स के ऊपर, उनकी कोई स्पेसिफिक वीडियोज़ के ऊपर रिएक्ट करूँ, तो प्लीज़ मेक श्योर टू कॉमेंट बिलो। तो अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय।